मेरा एक दोस्त है, उसके परिवार में पुश्तों से बिजनेस की परंपरा चली आ रही है। दादा परदादा अपने जमाने के हिसाब से बिजनेस करते थे और उसके पिता ने अपने हिसाब से बिजनेस का सेटअप तैयार किया। अब फैमिली ट्रेडिशंस के मुताबिक वो भी बिजनेस करने मैदान में उतरा है। करीब 3 साल हो गए मगर उसे बिजनेस में उतनी सफलता नहीं मिल पा रही जितनी उसने उम्मीद की थी। वो लगातार कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स से गाइडेंस ले रहा है, वो जैसा बताते हैं वैसा कर भी रहा है, इसके बावजूद उसे सफलता नहीं मिल रही। उसने मुझसे ये सारी बातें साझा की और शंका जताई कि कहीं उस पर शनिदेव का प्रभाव तो नहीं, कहीं उसकी जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों की कोई समस्या तो नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें बिजनेस में घाटा हो रहा है, वो समाधान पाने के लिए प्रोफेशनल सॉल्यूशंस तलाशने के साथ साथ ज्योतिषियों के चक्कर भी लगा रहे हैं और जो जतन बताए जाते हैं उन्हें आजमाते भी हैं लेकिन फायदा नहीं मिल रहा। नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण और ऐसी ही समस्याओं का सरल उपाय आज हम बताएंगे शनिदेव पर केंद्रित हमारे स्पेशल प्रोग्राम ज्योतिष सूत्र में। शनि हमारा शत्रु नहीं, मित्र है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शास्त्री प्रवीण चित्रांश। तो शास्त्री प्रवीण से हमारा पहला सवाल यही है कि बिजनेस पर शनिदेव का प्रभाव कैसे पड़ता है, क्या है बिजनेस में सफलता और असफलता के कारक ग्रह, लग्न और राशि, और क्या है इनके आसान उपाय। नौकरी में एक व्यक्ति की लिमिटेशन होती है, नौकरी में आदमी एक लिमिट के ऊपर अपना भविष्य नहीं बना सकता है, लिमिट के ऊपर एक ऊंचाई या प्राप्त नहीं कर सकता है। पर व्यापार की जब हम बात करते हैं तो व्यापार में कोई लिमिट नहीं होती, फ्लाइंग की कोई लिमिट नहीं होती, आप कितना भी बड़ा बन सकते हैं, अंबानी बन सकते हैं, अदानी बन सकते हैं। जैसे कि अब पहले हम टाटा और बिरला बोला करते थे, अब आज आधुनिक अभी भारत की बात कर रहे हैं तो उसमें अंबानी और अदानी बन सकते हैं। तो क्या आपकी कुंडली में भी ऐसे ही हो गए कि आप अदानी बन सकते हैं, अंबानी बन सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्यापार में अगर बड़ी ऊंचाइयाँ आपको प्राप्त करनी है, व्यापार में बड़े योग आपको प्राप्त करने हैं तो उसके मुख्य कारक ग्रह भगवान शनिदेव होते हैं। शनिदेव से ही व्यापार की बहुत ऊंचाइयां आप प्राप्त कर सकते हैं। आपकी कुंडली में शनि और शुक्र का बेहतर योग होना चाहिए, द्वितीय भाव से बेहतर संबंध होना चाहिए, सप्तम भाव से बेहतर संबंध होना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में शनि कारक है और शनि का सप्तम भाव और दशम भाव से बहुत बेहतर तालमेल है तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़े व्यापारी बन सकते हैं, क्योंकि जो बड़े व्यापार के योग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ शनि की कृपा से होते हैं। शनि के साथ में शुक्र का तालमेल बेहतर होना चाहिए। शनि का अगर आपका सहयोग बन रहा है दशम भाव में या सप्तम भाव में तो आप निश्चित रूप से एक बड़े व्यापारी बन सकते हैं, और शुक्र का अगर आपका द्वितीय में और सप्तम में अगर माला वियोग बन रहा है तो आप एक बड़े व्यापारी बन सकते हैं। तो बड़े व्यापारी बनने के लिए शनि, शुक्र और फिर अब व्यापार का जो मुख्य कारक ग्रह होता है वो बुध होता है, और बुध को जब शनि और शुक्र दोनों सपोर्ट करते हैं तो ऐसे लोग हॉस्पिटल इंडस्ट्री, ऐसे लोग होटल इंडस्ट्री, इनमें कुछ बड़ा एक बड़ा कर सकते हैं और बड़े बड़े बन सकते हैं। तो व्यापार की जब हम बात कर रहे थे तो बड़े बड़े व्यापार की क्षेत्र की हम बात कर रहे थे तो बड़े बिजनेसमैन आपको बनना है तो उसमें शनि आपके कारक होना चाहिए, बुध आपके कारक होना चाहिए और शुक्र आपके कारक होना चाहिए। और व्यापार की जो महत्वपूर्ण लग्न होती है वो कर्क लग्न होती है। कर्क लग्न के लोग व्यापार के क्षेत्र में बहुत उन्नति कर सकते हैं, राजनीति के क्षेत्र में बहुत उन्नति कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न के लोग व्यापार के क्षेत्र में बहुत बेहतर उन्नति कर सकते हैं। कुंभ लग्न के लोगों का शुक्र बहुत अच्छा होना चाहिए और शुक्र शनि और बुध का तालमेल होना चाहिए तो ऐसे लोग व्यापार में बड़ी ऊंचाइयां छू सकते हैं। द्वितीय भाव का लग्न से संबंध होना चाहिए कुंभ लग्न में, द्वितीय भाव का दशम से संबंध होना चाहिए, द्वितीय भाव का नवम से संबंध होना चाहिए, द्वितीय भाव का पंचम से संबंध होना चाहिए। अगर ये संबंध स्थापित होते हैं तो ऐसे लोग व्यापार में बहुत बहुत बड़ी उन्नति कर सकते हैं। और अगर ऐसे लोग जो व्यापार में बड़ा करना चाहते हैं कुंभ लग्न के लोग और मकर लग्न के लोग तो उनको शनिदेव की नियमित आराधना करना चाहिए। छोटे लोगों का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए, अपने जो अधीनस्थ लोग हैं, अपने कर्मचारी लोग हैं उनको कभी पैसों से पीड़ित नहीं करना चाहिए, उनको कभी उनको परेशान नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग अगर उनका ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं और साथ लेकर चलते हैं तो निश्चित रूप से व्यापार में बड़ी ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। वहीं कर्क लग्न के लोग जो हैं उनका चंद्रमा पीड़ित नहीं होना चाहिए, चंद्रमा यदि पीड़ित है तो चंद्रमा का उपचार करना चाहिए, जल का दान करना चाहिए, पानी का दान करना चाहिए, शक्कर का दान करना चाहिए, ऐसे लोग फिर व्यापार में बड़ी ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। मिथुन लग्न और कन्या लग्न ये भी व्यापार के लिए अच्छी लग्न मानी जाती है, क्योंकि इनके जो कारक ग्रह हैं बुध होते हैं तो बुध की पोजिशन बेहतर होना चाहिए तो ऐसे लोग ट्रेडिंग के बिजनेस में, ट्रेडिंग के और बुध के साथ यदि शुक्र का तालमेल बहुत अच्छा है तो ऐसे लोग आईटी के बिजनेस में, ट्रेडिंग के बिजनेस में बड़ा करके जाते हैं, बैंकिंग सेक्टर में बड़ा करके जाते हैं, अपना खुद का बैंक लोग बना सकते हैं, अकाउंट के बिजनेस में, कारोबार में, लेन देन के कारोबार में, अकाउंटेंसी के कारोबार में ये लोग बहुत बेहतर करने की संभावना है पूरी ऐसे लोगों की रहती है। मेष लग्न की बात करें तो मेष लग्न में व्यापार भाव का मालिक चूंकि सप्तम भाव शुक्र का होता है
यदि मेष लग्न जो मूल कुंडली है इसमें अगर सप्तम भाव में शुक्र की पोजिशन बहुत बेहतर है, वहीं कुंभ लग्न में, और मैं बताना चाहूँगा कि कुंभ लग्न में और मकर लग्न में, मेष लग्न में और तुला लग्न में और वृष लग्न में यदि पत्नी का भाव सप्तम भाव बहुत मजबूत है और सप्तम भाव और लग्न का संबंध है, तो ऐसे लोग अपनी पत्नी के माध्यम से व्यापार में बड़ी ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि कारक है और शनि का सप्तम भाव और दशम भाव से बहुत बेहतर तालमेल है, तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़े व्यापारी बन सकते हैं, क्योंकि जो बड़े व्यापार के योग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ शनि की कृपा से होते हैं। शनि के साथ में शुक्र का तालमेल बेहतर होना चाहिए। शनि का अगर आपका सहयोग बन रहा है दशम भाव में या सप्तम भाव में, तो आप निश्चित रूप से एक बड़े व्यापारी बन सकते हैं। और शुक्र का अगर आपका द्वितीय में और सप्तम में अगर माला वियोग बन रहा है, तो आप एक बड़े व्यापारी बन सकते हैं। तो बड़े व्यापारी बनने के लिए शनि, शुक्र और फिर अब व्यापार का जो मुख्य कारक ग्रह होता है वो बुध होता है, और बुध को जब शनि और शुक्र दोनों सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे लोग हॉस्पिटल इंडस्ट्री, ऐसे लोग होटल इंडस्ट्री, इनमें कुछ बड़ा एक बड़ा कर सकते हैं और बड़े बन सकते हैं। तो व्यापार की जब हम बात कर रहे थे, तो बड़े व्यापार की क्षेत्र की हम बात कर रहे थे, तो बड़े बिजनेसमैन आपको बनना है तो उसमें शनि आपके कारक होना चाहिए, बुध आपके कारक होना चाहिए और शुक्र आपके कारक होना चाहिए। और व्यापार की जो महत्वपूर्ण लग्न होती है वो कर्क लग्न होती है। कर्क लग्न के लोग व्यापार के क्षेत्र में बहुत उन्नति कर सकते हैं, राजनीति के क्षेत्र में बहुत उन्नति कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न के लोग व्यापार के क्षेत्र में बहुत बेहतर उन्नति कर सकते हैं। कुंभ लग्न के लोगों का शनि बहुत अच्छा होना चाहिए, कुंभ लग्न के लोगों का शुक्र बहुत अच्छा होना चाहिए और शुक्र शनि और बुध का तालमेल होना चाहिए, तो ऐसे लोग व्यापार में बड़ी ऊंचाइयां छू सकते हैं। द्वितीय भाव का लग्न से संबंध होना चाहिए कुंभ लग्न में, द्वितीय भाव का दशम से संबंध होना चाहिए, द्वितीय भाव का नवम से संबंध होना चाहिए, द्वितीय भाव का पंचम से संबंध होना चाहिए। अगर ये संबंध स्थापित होते हैं तो ऐसे लोग व्यापार में बहुत बहुत बड़ी उन्नति कर सकते हैं। और अगर ऐसे लोग जो व्यापार में बड़ा करना चाहते हैं, कुंभ लग्न के लोग और मकर लग्न के लोग, तो उनको शनिदेव की नियमित आराधना करना चाहिए। छोटे लोगों का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए। अपने जो अधीनस्थ लोग हैं, अपने कर्मचारी लोग हैं, उनको कभी पैसों से पीड़ित नहीं करना चाहिए, उनको कभी उनको परेशान नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग अगर उनका ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं और साथ लेकर चलते हैं, तो निश्चित रूप से व्यापार में बड़ी ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। वहीं कर्क लग्न के लोग जो हैं, उनका चंद्रमा पीड़ित नहीं होना चाहिए। चंद्रमा यदि पीड़ित है तो चंद्रमा का उपचार करना चाहिए, जल का दान करना चाहिए, पानी का दान करना चाहिए, शक्कर का दान करना चाहिए, ऐसे लोग फिर व्यापार में बड़ी ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। मिथुन लग्न और कन्या लग्न ये भी व्यापार के लिए अच्छी लग्न मानी जाती है, क्योंकि इनके जो कारक ग्रह हैं वो बुध होते हैं, तो बुध की पोजिशन बेहतर होना चाहिए। तो ऐसे लोग ट्रेडिंग के बिजनेस में, ट्रेडिंग के और बुध के साथ यदि शुक्र का तालमेल बहुत अच्छा है, तो ऐसे लोग आईटी के बिजनेस में, ट्रेडिंग के बिजनेस में बड़ा करके जाते हैं, बैंकिंग सेक्टर में बड़ा करके जाते हैं, अपना खुद का बैंक लोग बना सकते हैं। अकाउंट के बिजनेस में, कारोबार में, लेन देन के कारोबार में, अकाउंटेंसी के कारोबार में ये लोग बहुत बेहतर करने की संभावनाएं पूरी ऐसे लोगों की रहती है। मेष लग्न की बात करें तो मेष लग्न में व्यापार भाव का मालिक चूंकि सप्तम भाव शुक्र का होता है, यदि मेष लग्न जो मूल कुंडली है इसमें अगर सप्तम भाव में शुक्र की पोजिशन बहुत बेहतर है, वहीं कुंभ लग्न में, और मैं बताना चाहूँगा कि कुंभ लग्न में और मकर लग्न में, मेष लग्न में और तुला लग्न में और वृष लग्न में यदि पत्नी का भाव सप्तम भाव बहुत मजबूत है और सप्तम भाव और लग्न का संबंध है, तो ऐसे लोग अपनी पत्नी के माध्यम से व्यापार में बड़ी ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। तो देखा आपने, शनिदेव के असर से बचने के लिए हिमालय पर जाकर तपस्या करने जैसे जतन करने की कोई जरूरत नहीं, किसी बहकावे या भ्रम में पड़ने की भी जरूरत नहीं। आपको अपनी रूटीन लाइफ में कुछ छोटी मोटी चीजें जोड़ना है और कुछ बेसिक्स पर अमल करना है, जैसा शास्त्री प्रवीण चित्रांश ने अभी बताया। हमारे अगले एपिसोड में शास्त्री प्रवीण चित्रांश इसी तरह जिंदगी को आसान बनाने के कुछ बेहद आसान उपाय बताएंगे। आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, और अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये एपिसोड्स जरूर देखिए, और अगर कोई जिज्ञासा या समस्या है तो बिना देर किए हमें अपने सवाल लिख भेजिए। हम कोशिश करेंगे आपकी समस्याओं के बेहद सरल और सहज सॉल्यूशंस बताने की। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।